बेवकूफ आदमी, तुम मुझे बताओगे कि लाइव शो कैसे करते हैं? पिछले 30 साल से मैं लाइव शो कर रहा हूँ। आफताब इकबाल खोचल शायर जाहिल आदमी है। जनाबे अली, ये अल्फाज मेरे अपने नहीं, पाकिस्तान के मारूफ अदाकार, पाकिस्तान के मारूफ कॉमेडियन सोहेल अहमद साहब के हैं। आफताब इकबाल साहब के बारे में एक पॉडकास्ट में शिरकत की अहमद अली भट्ट साहब, जो पाकिस्तान के एक मारूफ होस्ट भी है, मारूफ अदाकार भी है। ईद स्पेशल शो के हवाले से उनके पॉडकास्ट में शिरकत की, सवाल आया आफताब इकबाल साहब के बारे में। उन्होंने कहा कि आफताब इकबाल ऐसे चौड़ा होकर बैठा होता है, लेकिन यकीन करें कि एक नंबर की खोचल शायर। मैंने उसका नाम खोचल शायर रखा हुआ है। मैं नहीं चाहता था कि मैं उसके बारे में कभी बात करूं। हमेशा मैंने उसको छोटे भाइयों की तरह ट्रीट किया, लेकिन वो कभी कभार ऐसी गुफ्तगू कर जाता है कि मुझे हंसी आती है। यानी कि पंजाबी में कह रहे थे कि मुझे हासा निकल आता है जब मैं इसको देखता हूं। ये चौड़ा होकर बैठा होता है और मैं इसकी शक्ल देख रहा होता हूं कि ये क्या बात कर रहा है। जनाबे अली, पहली चीज उन्होंने कहा कि एक शख्स ने कनाडा में इनसे पूछा कि आफताब इकबाल साहब से सवाल किया कि सोहेल अहमद साहब आपके साथ क्यों नहीं है। उन्होंने जवाब क्या दिया आगे से शख्स को, इस वजह से जहां पे मैं बैठा हूं, यानी कि वो लाइव शो नहीं कर सकते। तो सोहेल अहमद साहब ने कहा कि तुम मुझे बताओगे लाइव शो कैसे करते हैं, पिछले 30 साल से मैं लाइव परफॉर्मेंस कर रहा हूं। हस्बे हाल ने तो बल्कि मुझे डाउन किया, मेरे करियर को दांव पे लगाया। यानी कि मेरी पहचान जो एक ड्रामा में थी, वो शायद हस्बे हाल में ना हो सकी। हस्बे हाल ने मुझे नुकसान पहुंचाया। पिछले 15 साल से मैं एक प्रोग्राम में बैठा हुआ हूं, एक टीवी में बैठा हुआ हूं। तुम तो 11 महीने बाद ही भाग कर चले गए थे, लेकिन मैं पिछले 15 साल से एक ही चैनल में मौजूद हूं। मैं कोई भी अगर काम करता हूं तो मेहनत के साथ करता हूं, लगन के साथ करता हूं। सब कुछ छोड़ छुड़ा के जो काम मुझे मिला होता है, मैं उस पर फोकस करता हूँ। आफताब इकबाल साहब के हवाले से कहा कि एक प्रोग्राम जो कि कसौटी के नाम से कुछ 2-3 लोग बिठाए थे साथ में, तो उसने उसमें जिक्र किया, मेरे नाना का जिक्र हुआ। यानी कि कहने लगे हमें बेवकूफ समझते हो, हमें सब पता होता है कि ये प्रोग्राम स्क्रिप्टेड है, प्रॉपर पहले प्लान किया होता है। मैंने सारी जिंदगी यही काम किए, मुझे नहीं समझ आती कि ये कैसे मुझे बेवकूफ बना सकते हैं। अब सोहेल अहमद साहब ने कहा कि मेरे नाना जो कि डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर हैं, जिनके हवाले से अयूब खान साहब ने भी कहा था कि ये बाबाए पंजाबी हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में आज भी पंजाबी जुबान को शुरू करने वाले मेरे नाना अबू डॉक्टर फकीर अहमद फकीर हैं। उनके हवाले से बात की कि बाबा भुले शाह, बहाउद्दीन जकरिया, यानी कि जो सूफी शख्सियत हैं, इन सूफी शख्सियत को कंपाइल किया। यानी कि मेरे नाना का इतना दर्जा, इतना मुकाम, और तुम उसे कैसे डील कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम देखते नहीं हो कि तुम बात क्या कर रहे हो? यानी कि कभी कभार जज्बात में आकर या फेम की लालच में आकर इस कदर ऐसी गुफ्तगू कर जाते हैं कि मैं खुद हैरान होता हूं कि ये क्या बात कर रहे हैं। मेरे नाना अबू को किस तरह शख्स मुझे डील कर रहा है। एक उन्होंने बड़ी सख्त बात की, उन्होंने कहा कि पैसा कुत्ती है, इज्जत अगर आपके हाथ में हो तो ये कुत्ती आपके पीछे आती है। अब ये भी उन्होंने जनाबे अली कहा कि मुझे जो प्रेसिडेंट का अवार्ड मिला, जो सदारती अवार्ड मिला, मुझे हस्पियाल शुरू करने से पहले 4 साल कबल ही मिल गया था। मुझे कौन सा इस शो ने कोई इतना बड़ा इनाम दिया कि मैं कहूं कि इस शख्स की वजह से या इस प्रोग्राम की वजह से मुझे शोहरत मिली। जब मैं कॉमेडी करता था उस वक्त वजीर आजम तक मुझे सुनने आते थे, ब्यूरोक्रेट मुझे सुनने आते थे, यानी कि उस वक्त मैं ज्यादा पॉपुलर था। अब एक सवाल हुआ, अहमद अली भट्ट साहब ने कहा कि उन्होंने कैटेगराइज किया कि सबसे पहले अमानुल्लाह साहब हैं मेरी नजर में, दूसरे नंबर पे हैं सोहेल अहमद साहब हैं। उन्होंने कहा तुम कौन होते हो मैं कैटेगराइज करने वाले, मैं अपने आप को सबसे आखिर में समझता हूं। नासिर चिनोटी का जिक्र किया कि वो देखो मुझसे कितने हाथ आगे है या कितना टैलेंटेड है, कैसे कह सकती हो कि तुम मेरा दूसरा नंबर है या मेरा पांचवा नंबर है या मेरा आखिर वाला नंबर है? तुम होते कौन हो? हमसे काम सीखने वाले हमें ही कैटेगराइज करते हो। मजीद कहा कि वो बेचारे जो इसके प्रोग्राम में बैठे होते हैं, फीस के लिए उनको जी 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 करना पड़ता है, यानी कि तंग आकर लोग इसको छोड़ भी देते हैं, लेकिन ये शख्स अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। इसमें एक अकड़ है, इसमें एक तकब्बुर है, एक घुमंड है इसके अंदर, जो कि चौड़ा होकर बैठा होता है और मैं सिर्फ इसका चेहरा देखकर हंस रहा होता हूं। सोहेल अहमद साहब ने कहा कि कभी तुम आओ जरा मेरे सामने, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कब तुम्हारे होंठ खुश्क हो गए थे। यानी कि तुम बातें तो करते हो, कभी मेरे सामने तो आओ, मैं तुम्हें जवाब दूंगा कि तुम्हारे होंठ कब खुश हुए थे। 11 महीने बाद तो तुम भागकर चले गए, हस्पियाल प्रोग्राम छोड़ दिया, और आज तुम कहते हो कि जितने भी कॉमेडियन हैं इनको बनाने वाला मैं हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है, इन कॉमेडियन ने अपने टैलेंट को सामने रखते हुए अपना लोहा मनवाया, तुमने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया, लोग तो तुम्हें छोड़कर चले गए। अपनी गुफ्तगू के आखिर में एक शेर कहा कि रास्ते नहीं बताते कि यहां से कौन कौन गुजरा है, मुसाफिर बताते हैं कि हम किन किन रास्तों से गुजर के आए। उन्होंने कहा कि आफताब इकबाल मेरा छोटा भाई भी है। मैंने इसका शुरू में नाम तो खोचल शायर रखा था, लेकिन इसकी हरकतों के बाद आज मैं इसको हमेशा ही कहता हूं कि तुम्हारा मैंने नाम सही रखा, तुम्हारा नाम सही खोचल शायर रखा, तुम वाकई बड़े खोचल हो।